हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजीली। मैं नेहा वर्मा आप सभी का इजीली के यूट्यूब चैनल यानी कि एसएससी बैंकिंग इजीली पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने अपनी रेलवे एनटीपीसी जो अपनी जनरल साइंस की जो प्रीवियस ईयर पेपर जो सीरीज है वो यहां पे हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। आज है उसका कौन सा डे, 27th डे यानी कि 27वीं क्लास आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो अपनी क्लास है उसके अंदर कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन को जो हम क्या करते हैं यहाँ पे सोल्व करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी अपने प्रीवियस ईयर यानी कि जो रेलवे ने पूछे हैं कहां पे एनटीपीसी के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमें यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। आ जाइए जल्दी से क्लास के अंदर। और आज की जो अपनी क्लास है उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। तो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास को। तो देखिए अपनी जो डेली लाइव क्लासेस चलती हैं वो कब चलती है, 1:30 बजे चलती है डेली, यानी कि मंडे टू सैटरडे। डेली अपनी जो लाइव क्लासेस है वो यहाँ पे चलती हैं। कहाँ पे चलेंगी, अपने एसएससी बैंकिंग इजीली चैनल पर। अगर आपने अभी तक जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन जो दिख रहा है आपको उसको प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको ये फ़ायदा मिलेगा जो जितनी भी आपको यहाँ पर क्लासेज मिलेगी उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर तुरंत मिल जाएंगे कि कौन सी क्लास कब स्टार्ट हुई है, ठीक है। फिर आती है अपनी किसकी बारी, यहाँ पे देखो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, जितने भी यहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिलते हैं अपने बैंक से रिलेटेड या फिर अपने एसएससी से रिलेटेड, जिन एग्जाम में भी हमारे क्या है जनरल साइंस पूछी जाती है, वो जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे हमारे लिए यहाँ पे फायदेमंद रहेंगे, यहाँ पे हमें सही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो अपनी जीएस की जो प्लेलिस्ट है वो भी क्या कर दी गई है, यहाँ पे बना दी गई है चैनल के ऊपर, और आपको यहाँ से जाना है और आपको चैनल पे देख लेना है जितनी भी अपनी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको और जो कंटिन्यू जो अपनी क्लासेस चल रही है उनको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये है अपना आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बैलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज, यानी कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि। देखो अब जो गैस बैलून होते हैं उनके अंदर किसका यूज किया जाता है, उनमें कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम गैस भरी होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हीलियम की जगह पे हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं भरी जाती है इसमें, क्योंकि वह मोर स्टेबल होती है, लाइटर देन हाइड्रोजन होती है, या फिर नॉन कम्बस्टिबल यानी कि गैर दहनशील, एज वेल, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एज वेलनशील, ठीक है। और क्या है, मोर अबेंडेंट देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर। अब देखो इसने बोला है कि मोर स्टेबल, तो जो हीलियम, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हीलियम से भी स्टेबल है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है उसका यूज़ हम क्यों नहीं कर रहे हैं हीलियम की जगह पे, वो हमें बताना है कि ये लाइटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हल्का होता है, हाइड्रोजन से हल्का नहीं, मतलब हाइड्रोजन से क्या होता है, ये हल्का होता है। पर ये क्या है, जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है वो दोनों ही क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, किससे, एयर से, ठीक है। ये क्या है, एयर में सबसे ज़्यादा लाइटर जो यहाँ पे मिलेंगे यानी कि हल्के पदार्थ होते हैं यहाँ पर, हल्की ये गैस होती है, ठीक है। फिर है नॉन कम्बस्टिबल यानी कि गैर दहनशील, तो गैर दहनशील का मतलब क्या है, यहाँ पे एज वेलनशील यानी कि वह एयर में जो एयर से क्या करेगी, रिएक्ट करके क्या है यहाँ पर ये ज्वाला, मतलब जलती नहीं है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मिलती है इन्वायरमेंट के अंदर और ये क्या होती है, ज्वलनशील, यानी कि यह एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या है यहाँ पर ज्वलनशील हो जाता है,
जाती है, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, मोर एबंडेंट देन हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या है, मोर एबंडेंट है एयर के अंदर, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हीलियम से क्या है, ज्यादा यहाँ पे इसकी मात्रा होती है। ज्यादा मात्रा होने की वजह से क्या है, इसको जो स्टोर करने का जो मेथड है, इसको स्टोर करने के लिए ये क्या है, बहुत ही परेशानियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, हीलियम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने का नॉन कम्बस्टिबल, यानी कि ये क्या होती है, अज्वलनशील होती है, इसीलिए हीलियम का यूज किस में किया जाता है, गैस बैलून्स में किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में बोला है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, इंसिडेंट एंगल इज लेसर देन रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, या फिर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, क्या दोनों बराबर होते हैं, या फिर दोनों कोण सदैव असमान होते हैं। ये हमें बताना है कि परावर्तन के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए हमें क्या बोला है कि इसमें से हमें बताना है कि परिवर्तन के जो परावर्तन के नियम है उसके अनुसार यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए अपने को क्या बोला है कि जो अपने परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर, यानी कि कोण जो एंगल है आई वो किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अबे या देखो अब क्या करना है, हमें एक यहाँ पे हमें मीडियम लेना है एक अपना, फिर क्या करना है यहाँ पे दो किरण आपतित करनी है, ठीक है। अब देखो ये लाइट यहाँ से आई है, इंसिडेंट हो गया अपना ये, और फिर ये जाएगी रिफ्लेक्ट, तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्ट वेव, ठीक है। ये कौन सी होगी अपनी, रिफ्लेक्ट, ये अपनी आई इधर से और ये क्या हुई यहाँ से, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो ये अपनी ये वाली डायरेक्शन हो गई इसकी, और ये कौन सी हो गई इसकी, ये वाली डायरेक्शन। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि इनको क्या करना है, यहाँ से अपने को एक कोण बनाना पड़ेगा अपने को, कौन सा कहाँ पे, अब देखिए इससे हमें क्या करना है, 90 डिग्री एंगल पे एक कोण बनाना है, ठीक है। एक अपना किधर बनेगा, ये देखो अपना क्या बना, 90 डिग्री एंगल हमने ये बना लिया। तो देखो इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे नाम दे दिया ए, ठीक है। ये क्या हो गया अपना बी, ठीक है। और इसको हमने क्या नाम दिया, ये देखो यहाँ से ये वाली जो यहाँ से क्या हुई यहाँ पे, ये जाके टकराई है ये वाली वेव, तो यहाँ इसको हमने क्या नाम दे दिया इस वाले पॉइंट को, ए वन, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे बी वन। अब देखो ये तो सीधी यहाँ पे टकराई है, तो इसको हम दे देंगे बी वन नाम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो अपना जो यहाँ पे जो अपना होगा कोण आपतित कोण, वो क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, एक मिनट बस, देखिए ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, पूरा अपना यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अपना कौन सा हो जाएगा, आर। तो अब हमें बताना है कि ये दोनों कोण जो है वो बराबर होते हैं या नहीं होते, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये वाला हमें क्या ले लेना है, ट्राइंगल ले लेना है ए बी एंड बी डैश, ठीक है, बी वन। तो क्या करना है, इन ए बी बी वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए जो बी है, एक सेकेंड, तो अब देखो अपने पास क्या है, ए ए डैश,
जो ये वाली अपनी रिफ्लेक्ट वाली है ये क्या होगी अपनी किसके बराबर होगी b b1 के। ठीक है, तो हमें क्या लिख लेना इधर a1 इज इक्वल टू b b1, यानी कि ये क्या है अपनी यहाँ से इंसिडेंट और ये क्या हुई अपनी रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अपना जो इसकी जो टाइम है और इसका जो लाइट है वो दोनों क्या है यहाँ पे सेम है, बराबर है किसके सी टी यानी कि डिस्टेंस के। ठीक है, फिर क्या होगा अपना यहाँ पे हमें क्या ले लेना है a b b'। ठीक है, फिर क्या होगा अपना यहाँ पे साइन आई यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा अपना यहाँ पे हमें क्या ले लेना है ये क्या होगा अपना बेस। ठीक है, ये कौन सी होगी अपनी परपेंडिकुलर और ये होगी हॉरिजॉन्टल अपनी। ठीक है, तो हमें क्या करना है b b1 अपॉन अपना कौन सा आ जाएगा अपना a b1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन वन अपने पास, ये इक्वेशन हो गई अपने पास टू। ठीक है, हमें क्या करना है अब इन अब हमें दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेना अपना कौन सा a a1 b1 a a1 b1। ये वाला पहले हमने कौन सा लिया था, हमने लिया था ये वाला। ठीक है, अब हमें कौन सा ले लेना है ये वाला। ठीक है, तो क्या हो गया इस ये वाला क्या हो गया यहाँ पे ये हो गया इसका बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो क्या होगा अपना यहाँ पे a a1। ठीक है, a a1 साइन आर इज इक्वल टू a a1 इज इक्वल टू a b1। अब हमें क्या करना है इक्वेशन दो में किसका भाग देना हमें इक्वेशन तीन का, तो यानी हमारे पास क्या होगा साइन आई इज इक्वल टू b b1 इज अपॉन a b1। ठीक है, और क्या है हमारे पास यहाँ पे साइन r, तो क्या होगा अपना यहाँ पे b b1 इज अपॉन में a b1 अपना a b1 अपॉन में कौन सा हो जाएगा अपना a a1। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से क्रॉस हो गया, तो क्या बचा अपने पास साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू b b1 अपॉन a a1। ठीक है, तो a a1 अपने पास यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू c t। ठीक है, b b1 इज इक्वल टू क्या c t और ये भी क्या हो गया अपना c t, ये दोनों क्रॉस हो गए, क्या बचा अपने पास 1। यानी कि जो अपना यहाँ पे आपतित कोण है वो किसके बराबर होगा हमेशा अपने परावर्तित कोण के। तो ये हो गया अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमें सही मिलेगा, हमें ये मिलेगा हमें आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है यानी कि ऑप्शन c। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में हमें क्या बोला है कि व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज ऑकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है तो किसी क्रिया को किस रूप में जाना जाता है, सेल्युलर रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर कैपिलरी रेस्पिरेशन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हमें क्या बोला है कि जब ऑक्सीजन के बिना यानी कि यहां पे क्या है अपने पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है अब्सेंट है। ठीक है, अब्सेंट है और हमें क्या बोला है ग्लूकोज का क्या कराना है यहाँ पे अपघटन, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो देखिए अपनी जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज किस में टूटता है, O2 है अपने पास प्रेजेंस में है, तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या है ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पे ग्लूकोज, O2 की प्रेजेंस है यहाँ पे किस में पाइरूवेट, पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा और ये पाइरूवेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, फिर क्या होगा अपने पास अगर O2 अब्सेंट है यानी कि अपने पास ऑक्सीजन की अब्सेंस है तो ग्लूकोज जो है वो क्या होगा यहाँ पे ग्लूकोज के O2 क्या है अब्सेंट है यहाँ पे, तो क्या होगा ये ग्लूकोज है पाइरूवेट में चेंज हुआ,
ठीक है, पाइरूवेट में चेंज होकर यह क्या होगा यहाँ पे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड प्लस किसमें, CO2 में। ठीक है, आपने पास ये वाली रिएक्शन आ गई। तो क्या हुआ, आपने पास O2 प्रेजेंट था, यानी कि ये क्या हो गया अपना YVS वर्शन। ठीक है, ग्लूकोज O2 पाइरूवेट CO2 प्लस एनर्जी। अब देखो O2 अब्सेंट है, ये क्या हो गया AYVS। ठीक है, ग्लूकोज O2 की यहाँ पे एब्सेंस है, पाइरूवेट में चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो अपने को पूछा है कि उस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो क्या होगा अपने पास, ये एनएरोबिक, यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन अब्सेंट है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है, दोनों ये प्रोसेस दोनों ही आती है कंबाइन रूप से। कैपिलरी क्या होता है, यहाँ पे केशिका जो ब्लड में ऑक्सीजन जो घुलती है, जिसके थ्रू घुलती है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैपिलरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। मिस्टर विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून विनोद, कैसे हो आप। तो देखिए, अब हमें नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द लीफ शेप फ्लैप ऑफ कार्टिलेज लोकेटेड बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स कॉर्ड। सो लैरिंग्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थी प्रारंभ पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गोल ब्लैडर, एपिग्लोटिस, ईलियम या फिर जिजेनम। जल्दी से कमेंट करके बताओ उसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखो, अपने को क्या बोला यहाँ पे, क्या दिया है, गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमें बोला है कि लैरिंग्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर या फिर जीभ के, यहाँ पे बोला कि जीभ के पीछे स्थित होती है। तो जो गोल ब्लैडर है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है लीवर के पास। ठीक है, लीवर। एंड एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपनी जो टंग है उसके पीछे। और ये किसके आकार का होता है, पत्ती के आकार का होता है। और ये क्या करता है, जो अपना फूड पाइप है और जो अपना जो स्वर यंत्र, मतलब कि अपनी जो श्वसन नलिका है, उसको क्या करता है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, उसके ऊपर अंदर बंद हो जाता है ऐसे। ठीक है, सेल के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, कहाँ पे, श्वसन नलिका में, अपना स्वर यंत्र में, यानी कि उधर की साइड फूड जो है वो नहीं जा सके, सीधा फूड पाइप में खाना जो है वो जा सके। ठीक है, तो इसीलिए जो एपिग्लोटिस है वो क्या करता है, फूड को कहां पे नहीं जाने देता है, वो श्वसन जो अपनी नलिका है उसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने पास ईलियम एंड जुजेनम। तो ये क्या होते हैं, दोनों किसके पार्ट होते हैं, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत का पार्ट होते हैं ये दोनों। तो ये अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, अपना यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि एपिग्लोटिस। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमें क्या बोला है कि मेटल्स हैव, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, गलनांक उच्च और क्वथनांक निम्न होता है, या फिर गलनांक निम्न और क्वथनांक उच्च होता है। तो जल्दी से बता दो, जो मेटल्स है उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है। मिस्टर विनोद कुमार का आंसर आया है अपने पास ऑप्शन बी। अगर आप जब भी आंसर करो तो आंसर के आगे आप क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए कीजिए कि जिसमें से पता चल जाए कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोला है, धातुओं का यानी कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो मेटल्स हैं वो क्या होती है, हार्ड होती हैं, और उनका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, वो क्या होती है, डक्टाइल एंड टेंसाइल होती हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जो आघात वर्धनीय भी होती है, उनको पीठ के चादरों में भी परिवर्तित किया जा सकता है और उनके पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में बोला है द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ल्यूसीमीटर, क्रायोमीटर, साइनोमीटर या फिर बैरोमीटर? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हमें बोला है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यानी कि लाइट, लाइट को मापने के लिए यहाँ पे किसकी किसका यूज किया जाता है, लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए ल्यूसीमीटर का यूज किया जाता है। और जो क्रायोमीटर है उसका यूज कहाँ किया जाता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं, जो ज्यादा ठंडी चीजें होती हैं यानी कि फ्रीजिंग के लिए क्या किया जाता है, क्रायोमीटर का यूज किया जाता है। साइनोमीटर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो साइनोमीटर मतलब होता हो। नेक्स्ट है अपने पास बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, तो अपने पास मिस्टर विनोद का आंसर आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। एक जो ल्यूसीमीटर है वो क्या होगा अपना, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ल्यूसीमीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 6 का डी, तो विनोद का आंसर अपने पास आया है 6 का डी, तो 6 का डी नहीं होगा क्योंकि जो बैरोमीटर है उसका यूज कहाँ किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। किसको मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा अपना, ऑप्शन होगा ए यानी कि ल्यूसीमीटर। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज, बिजली के हीटर में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री है टंगस्टन, निक्रोम, ब्रास या फिर स्टील या फिर इस्पात? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो हमें बोला है कि बिजली के हीटर यानी कि जो हीटर होते हैं अपना, वो क्या है, उनको बहुत ही जल्दी गर्म करना पड़ता है और ऐसे हमें मेटल मतलब कि उस वहाँ पे ऐसे पदार्थ यूज करने पड़ते हैं, हमें ऐसी जो मटेरियल है वो यूज करने पड़ते हैं जो जल्दी से क्या ना हो, टूटे नहीं। ठीक है, उनका जो गलनांक है वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो, वो जल्दी से क्या हो, टूटे नहीं। तो अब देखो यहाँ पे टंगस्टन है, टंगस्टन जो है, टंगस्टन का जो गलनांक है वो क्या है, कम होता है, तो इसीलिए वो क्या है, गर्म होने पे आसानी से टूट जाता है। ठीक है, भंगुर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भंगुर। ठीक है, फिर है अपने पास निक्रोम, तो निक्रोम क्या है, एक एलोय है। क्या है, एक एलोय। एलोय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु, यानी कि यह किससे मिलकर बनी है, बहुत सी चीजों से, यानी कि दो या दो से अधिक धातु भी हो सकती है और धातु और अधातु से मिलकर भी क्या बन सकते हैं, मिश्र धातु बन सकते हैं। ठीक है, तो विनोद बोल रहे सॉरी मैम, कोई बात नहीं, आप आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए अच्छे से, गलत करोगे तो ही क्या पता चलेगा, हमें सही का पता चलेगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट अपना पास है निक्रोम, तो निक्रोम क्या होता है, एक एलोय होता है, मिश्र धातु होता है। किस किस का मिश्र धातु ये होता है, ये होता है किसका, क्रोमियम, साथ में ये भी लिख लेना इसमें, क्रोमियम एंड किसका, निकल का। किसका होता है, क्रोमियम एंड निकल। जो क्रोमियम है वो कितना होता है, 20%, और जो निकल जो होता है वो कितना होता है, 80% होता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, निक्रोम बनाते हैं, और इसका जो गलनांक है, जो इसका गलनांक है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या है, ये आसानी से टूटता नहीं है। तो हीटर में किसका यूज़ किया जाएगा, निक्रोम का यूज़ किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। और ब्रास और पीतल, जो ब्रास और जो टंगस्टन है, इन दोनों का क्या होता है, यहाँ पे गलनांक जो है वो कम होता है, ये आसानी से टूट जाते हैं गर्म करने पर। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अपना कौन सा, ऑप्शन बी। तो मिस्टर विनोद का आंसर आया है अपने पास ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, निक्रोम जो है वो क्या होगा अपना, एक हीटर में यूज करने वाली पदार्थ। ठीक है, अब हमें बोला है कि इसके अंदर कि
कैपेसिटी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड, यानी कि वायु की वह अधिकतम संभावित मात्रा जिसे मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है कहलाती है। यानी कि क्या करना है, जितनी अपनी जो लंग्स हैं वो एयर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाती हैं, एयर को खींच पाती हैं बाहर से अंदर, तो उस कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, तो उस कैपेसिटी को क्या इंस्पिरेशन कैपेसिटी या फिर वाइटल लंग कैपेसिटी या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो देखो इंस्पायरेशन कैपेसिटी यानी कि क्या होगा, प्रेरणा क्षमता क्या होती है, जो क्या इंस्पायरेशन यानी कि जो वायु जो है अपने फेफड़ों के द्वारा अंदर ली जाती है उसको क्या बोला जाता है, इंस्पायरेशन कैपेसिटी। फिर है महत्वपूर्ण फेफड़े की क्षमता, ठीक है। फिर है अपने पास अवशिष्ट क्षमता यानी कि जो अपने मात्रा वायु की अंदर जो बच जाती है उसे। फिर है अपने पास टोटल लंग कैपेसिटी, इसे क्या बोला जाता है, TLC, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो अपना यह क्या है, वायु की जो अधिकतम मात्रा हमारा जो फेफड़े हैं जो हम एब्जॉर्व कर पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि फेफड़े की कुल क्षमता यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, ठीक है। फिर चला जाए नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्प्स द फिशेज टू रेस्पायर इन वॉटर, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है। तो देखिए अपने अंदर क्या मिलते हैं, लंग्स मिलते हैं, ठीक है। अपने हम जो श्वसन लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, लंग्स के द्वारा। अब हमें बताना है कि जो फिश है उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्या उनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं या फिर कोई और स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलती है जो उन्हें क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। अब देखो अपने पास फीदर यानी कि पंख, पंख तो जो है वो क्या है, बर्ड्स में मिलते हैं और मछलियों में क्या, उनको तैरने में करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है, ठीक है। पूंछ जो है, जो पूंछ जो होती है किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म में या फिर फिश में या फिर बर्ड में, तो वो क्या काम आती है, उनको बैलेंस करने के काम आती है, ठीक है। गिल क्लोम या फिर गिल और क्लोम क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो किसमें मिलता है, वो मिलता है फिशेस के अंदर ही, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो फिश है उनके माउथ के यहाँ पे पीछे यहाँ पे, ठीक है। तो जो गिल है वो क्या करेगा, मछलियों में क्या करवाता है, श्वास लेने में हेल्प करता है वाटर के अंदर, ठीक है। फिर है स्केल्स, जो स्केल्स है वो क्या होते हैं, जो मछलियां हैं उनके ऊपर क्या है, कांटे जैसी संरचना मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल। और ये स्केल क्या करते हैं, जो बाहर से प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं, ठीक है। तो विनोद का आंसर आया है नाइन में डी नहीं होगा, जो शल्क है, जो स्केल्स हैं उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करने का, यानी कि उनके ऊपर क्या है, थोड़ी कांटे नुमा संरचना कुछ मिलती है, हार्ड स्ट्रक्चर मिलती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, शल्क बोलते हैं यानी कि स्केल्स, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर होगा अपने पास कौन सा, गिल यानी कि ऑप्शन सी। जो गिल्स हैं वो क्या है, उनके अंदर क्या पाया, और भी क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रैकिया भी मिलते हैं कई उनके अंदर, तो ये क्या है अपने पास यहाँ पे, ट्रैकिया किसमें मिलते हैं, मेंढक के अंदर, और मेंढक के अंदर क्या है, जो गिल है वो भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फ्रॉग, जो फ्रॉग है वो क्या होता है, फ्रॉग अपना एक क्या है, एम्फीबियन है, यानी कि वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो उसके जो लार्वल स्टेज है उसमें क्या मिलता है, उनमें गिल मिलता है, फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे उनमें क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट होना है अपने ट्रैकिया, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया अपना सही यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम या फिर आघात वर्धीय धातु होती है, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, गोल्ड या फिर टिन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आघात वर्धनीय। तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, कॉपर, तांबा,
तांबा, एल्यूमिनियम, इन सबको क्या है हम शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, सोना है उसको भी कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये सारी क्या है अपने पास मेटल हैं, और ये मेटल में से हमें पूछा है कि सबसे अधिक जो है वो आघात वर्धनीय कौन सी होती है, किसको हम सबसे ज़्यादा पतली शीट या फिर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तांबा जो एल्यूमिनियम और टिन जो है इनके कंपेरिजन में, यानी कि जो गोल्ड है अपना यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होता है, यानी कि उसको पतली से पतली शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, अपना यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि गोल्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट टेंसाइल, सॉरी क्या पूछा है हमें कि मोस्ट टेंसाइल हमें पूछा है, तन्य, तन्य का मतलब क्या होता है, उन्हें खींच कर किसमें, पतले तारों में कन्वर्ट करना, मेटल्स को खींच कर पतले तारों में कन्वर्ट करना ही कौन सी प्रोसेस होती है अपनी, टेंसाइल यानी कि तन्यता, ठीक है। तो हमें बोला है कि सबसे अधिक तन्य यहाँ पे कौन सा है, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना या फिर तांबा, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ड्रीम लॉजिस्टिक भी हमसे जुड़ चुके हैं, हेलो ड्रीम लॉजिस्टिक। विनोद का आंसर आया अपने पास सी गोल्ड, बिल्कुल करेक्ट। जो गोल्ड है वो क्या है सबसे ज्यादा डक्टाइल एंड टेंसाइल मेटल है, क्योंकि इनको क्या है बहुत ही पतले तारों में खींचा जा सकता है, किसके कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा के कंपैरिजन में, ये सबसे ज्यादा अधिक जो है वो क्या होता है तन्य होता है, टेंसाइल होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, विनोद आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा, सोना। अब देखिए हमें बोला कि मेटल्स आर जनरली, सामान्यतः धातुएं डैश होती हैं, मेयबल, आघात वर्धनीय या टेंसाइल या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थर्ड, ओनली टू एंड थर्ड या फिर ऑल, जल्दी से बताओ। जो मेटल्स है क्या वो आघात वर्धनीय होती हैं, क्या उन्हें पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या उन्हें पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर वो क्या होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, उनसे जो हीट है वो प्रोड्यूस नहीं करवाई जा सकती, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अब हमें क्या बोला है, मेयबल यानी कि आघात वर्धनीय, इनको पतली शीट में जो मेटल्स हैं उनको क्या है ठोक पीट कर किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और टेंसाइल भी होती हैं, जैसे अपना सोडियम है, सोडियम जो मेटल है उसको क्या है यहाँ पे हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा भंगुर होता है, उनको आसानी से चाकू से भी हम काट सकते हैं, ठीक है। तो अपना क्या है टेंसाइल यानी कि तन्य, यानी कि उनको पतले तारों में बनाना, अपने जो लोहे के तार हैं, तांबे के तार हैं, सोने के भी तार होते हैं, तो क्या है उनको हम पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है अपने पास पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का कुचालक, तो क्या है जो मेटल्स हैं वो तो क्या होते हैं बहुत ही अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये तो अपना हो गया गलत यहाँ पे ऑप्शन अपना, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा अपना ऑप्शन ए यानी कि ओनली वन एंड सेकेंड। तो विनोद का आंसर आया 11 में सी, तो 11 में सी नहीं होगा, क्योंकि जो अपने मेटल्स हैं, जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे कि सबसे मेटल जो है तांबे के तार हैं, तो उनको तांबा जो है वो क्या करते हैं हम किसमें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, हम वायर बनाने के लिए जो अपने वायर होते हैं नॉर्मल तार जो होते हैं उनमें किसके तार वायर मिलते हैं अपने पास, तांबे के, जो कॉपर है उसके तार, ठीक है। तो जो कॉपर है वो क्या है अपना एक मेटल है, तो वो तो क्या है ऊष्मा के सुचालक होते हैं यानी कि वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। तो ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो अपना करेक्ट आंसर बनेगा वो वन एंड सेकेंड यानी कि आघात वर्धनीय और जो तन्य है वो होगा, ठीक है। अंकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो अंकुर जी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट में बोला है व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, सोने का प्रतीक है Mg, Hg, Ag या फिर Au, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा।
यहाँ पे हमें गोल्ड का सिंबल बताना है कि जो गोल्ड है उसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। अंकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं मेरा दोस्त है सिंबल ऑफ गोल्ड। बिल्कुल सही, जो दोस्त है अच्छे दोस्त होते हैं वो गोल्ड ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गोल्ड है यहाँ पे हम उस गोल्ड की बात नहीं करेंगे, हम जो ओरिजिनल गोल्ड है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो गोल्ड है उसका यहाँ पे सिंबल क्या होगा, देखो Mg किसका होता है, मैग्नीशियम का। Hg किसका होता है, मरकरी का। और जो Ag होता है वो किसका होता है, सिल्वर का। ठीक है, एंड जो Au होता है वो किसका होता है, गोल्ड का। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया अपना, ऑप्शन डी। चले फिर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट में मैं बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है, डायफ्राम, पसलिया, उपास्थि डिस्क या फिर मांसपेशिया। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। विनोद का आंसर आया है अपने पास ऑप्शन सी, यानी कि कार्टिलेजिनियस डिस्क। तो देखो जो श्वसन नली है उसको नष्ट होने से कौन रोकता है, तो देखिए जो डायाफ्राम है वो क्या है, श्वसन करने में हेल्प करता है। जो पसलियां हैं वो भी क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन करती है, बट जो श्वास नली को यहाँ पे मतलब डिस्ट्रॉय होने से ये भी नहीं रोक सकती है। जो अपनी कार्टिलेजिनियस डिस्क होती है, उपास्थि उपास्थि जो डिस्क है वो क्या है, यहाँ पे अपनी जो ट्रैकिया है उसको क्या है, डिस्ट्रॉय होने से रोकती है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो होगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नहीं होगा यहाँ पे, होगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि कार्टिलेजेनियस डिस्क, यानी कि उपास्थि डिस्क। विनोद यहाँ पे आपका जो पहले आपने आंसर किया था सी वो बिल्कुल करेक्ट था, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में बोला है हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑब्टेंड बाय द रेस्पिरेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं, एटीपी यानी कि एनर्जी क्या होगा, एटीपी इज इक्वल यहाँ पे एटीपी का मतलब क्या है अपने पास, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो देखो हमें बोला कि ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा हमें कितनी एटीपी जो एनर्जी है वो हमें यहाँ पे मिलती है, 36, 2, 4 या फिर 38। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। विनोद का आंसर आया है अपने पास ऑप्शन बी, यानी कि 2। तो देखो अपना जो ग्लूकोज का एक अणु का जो श्वसन में कितने अणु हमें एटीपी प्राप्त होते हैं, तो देखिए अपना इसमें कौन कौन सी प्रोसेस चलती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चैन। ये तीन हमें जो है रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है, कौन कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और क्या होगा अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट होगा अपने पास, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड होगा अपने पास क्रेब साइकिल, ठीक है, थर्ड होगा अपने पास ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चैन। ठीक है,
तो देखिए अपने पास यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है, उसके अंदर कितने एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, 4, बट इसमें 2 क्या कर ली जाती है, यूज कर ली जाती है, अपने पास कितनी बचती है, 2, ठीक है। जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर भी कितनी एटीपी का यूज होता है, अपने पास 2, ठीक है। जो ईटीएस है उसके अंदर कितना बनता है, 36, ठीक है, नहीं 34, कितना होगा अपने पास यहाँ पे, 34, तो टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, टोटल हो जाएगा अपने पास यहाँ पे कितना, 38, यानी कि एक ग्लूकोज के अणु के श्वसन द्वारा कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है अपने पास, 38। अच्छा 13 का था ये डी, ओके ओके। तो मिस्टर विनोद कुमार जो अपना आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 38, ठीक है। टोटल कितने, 40 अणु बनते हैं इसके अंदर, 2 क्या है ग्लाइकोलाइसिस में वापस यूज ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो अपना कितना हो गया, 38। अब देखिए आंसर जो होगा अपना डी, सी इसका ए नहीं होगा, 36 नहीं होगा, यहाँ पे 38 होगा, ठीक है। अब देखो फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फ्यूज सिद्धांत पर कार्य करता है, बिजली का यांत्रिक प्रभाव या फिर बिजली का चुंबकीय प्रभाव या फिर बिजली का रासायनिक प्रभाव या फिर बिजली का तापीय प्रभाव। तो जो हम वायर के अंदर अपने जो परिपथ है, अपना जो वो होता है परिपथ, उसके अंदर जो फ्यूज है वो हम क्यों लगाते हैं और वो फ्यूज जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखो अपने पास यहाँ पे क्या लगा है, अपने पास यहाँ पे एक परिपथ है अपने पास, ठीक है। एक परिपथ है अपने पास, यहाँ मान लो अपने पास एक बल्ब लगा है इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक फ्यूज लगा है, ये क्या हो गया, फ्यूज। तो यहाँ पे जो फ्यूज है, इस फ्यूज को क्या है, यहाँ पे ऐसे पदार्थ यूज किए जाते हैं जिनका क्या है, गलनांक बहुत कम होता है, जो क्या है गर्म होने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो देखो जैसे ही बहुत ज्यादा करंट जो है परिपथ के अंदर आएगा तो क्या होगा, वो गर्म होने के बाद ये फ्यूज क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। तो ये टूटने से क्या होगा, यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया हमने, यहाँ से टूटने से क्या होगा, जो यहाँ पे करंट का फ्लो है वो क्या है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो सुरक्षा के लिए इस फ्यूज को यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे क्या हो, यहाँ पे हमें हानि से बच सके, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वहाँ पे जो बिजली का विद्युत का जो तापीय प्रभाव है उस पर क्या, उस सिद्धांत पर ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मटेरियल लगाए जाते हैं जो क्या है, यहाँ पे गर्म होने पर क्या है, आसानी से ब्रेक हो सके, ठीक है, इस परिपथ को क्या है यहाँ से कट कर सके, ठीक है। चले फिर नेक्स्ट, तो देखिए इसका आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ ए स्टार, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है, वजन, दूरी, तापमान या फिर साइज। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। विनोद कुमार का आंसर आया अपने पास ऑप्शन बी, यानी कि उन्होंने बोला है कि ये किस पे काम करता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। मोहित रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो मोहित, कैसे हो आप। तो मोहित रंजन का आंसर आया अपने पास ऑप्शन सी, और मिस्टर विनोद में बोला है कि 16 में बी बताया है, ओके ओके, उन्होंने 16 में बी बताया, 16 में बी नहीं होगा, 16 में डी होगा। एक बार आप अपनी जो क्लास है उसको रिफ्रेश कर लीजिए विनोद, शायद आपकी क्लास जो है वो पीछे चल रही है, ठीक है, बैक लैग कर रही है, तो उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जो क्या है हम साथ साथ उसको चल सकें, ठीक है। तो हमें बताना है 17 का आंसर, तो मोहित का आंसर आया अपने पास ऑप्शन सी, यानी कि जो तारे के वर्ण है, यानी कि जो स्टार ऑफ ए कलर है वो किस पे, किसका सूचक है, टेम्परेचर का, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा अपना, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मोहित का आंसर जो है वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये वाला क्वेश्चन हम क्वेश्चन जो है वो हमने पहले भी किया है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड सोर्स, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, डायनोमीटर, कैलिपर्स, फोटोमीटर या फिर एमीटर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। मोहित का आंसर आया अपने पास ऑप्शन सी। तो देखो हमें क्या बोला है, डायनोमीटर। तो डायनोमीटर क्या है, यहाँ पे जो विद्युत की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, डायनोमीटर का, ठीक है। कैलिपर्स है, उसका क्या है, वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैलिपर्स का। अब नेक्स्ट है अपने पास फोटोमीटर। तो फोटोमीटर क्या होगा अपना यहाँ पे, कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको क्या है, फोटो प्रकाश, ठीक है। तो क्या है फोटोमीटर, क्या है, एक लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको मापने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। जो एमीटर है वो क्या है, विद्युत धारा को मापने के लिए, ये तो हमें पता ही है, ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल या फिर राइट ओरिकल। तो देखो अपने पास क्या है, हार्ट के अंदर ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर, ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, यानी कि ये कौन सा होगा अपना, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, बॉडी से क्या, पूरी बॉडी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, कहाँ से आया, बॉडी से, जो अपनी ह्यूमन बॉडी है वहां से कौन सा ब्लड आया, डी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि यहाँ पे मिक्स ऑक्सीजन, जो बाकी सारी गैस वाला जो यहाँ पे ब्लड है वो आएगा कहाँ पे, राइट ओरिकल के पास। तो राइट ओरिकल क्या करेगा, इसको पंप करेगा ब्लड को और कहाँ पे भेज देगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा कहाँ पे, लंग्स के पास, कहा जाएगा लंग्स के पास, क्या होने, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है, इसको समझना। विनोद कुमार का आंसर आया अपने पास सी, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो देखिए अपने को क्या बोला है कि राइट वेंट्रिकल यहाँ पे ब्लड आया, ये भी इसको ब्लड को पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर क्या करेगा, जो लंग्स हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल कहाँ भेज देगा, लंग्स के पास। तो लंग्स क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेटेड करके कहाँ पे भेजेगा, इस ब्लड को कहाँ भेजेगा, राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल क्या करेगा, इसको पंप करेगा और कहाँ भेज देगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल भी इसे कहाँ भेजेगा, इससे लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो क्या भेज देगा, इस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देगा, ठीक है। कहाँ भेज देगा ये, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, कहाँ भेज देगा ये, पूरी बॉडी के अंदर। तो क्या प्रोसेस चली, बॉडी से कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, राइट ओरिकल, तो राइट ओरिकल अपने को दिया है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या है अपने पास, राइट ओरिकल, राइट राइट ओरिकल, जो अपना ऑप्शन डी है, राइट ओरिकल, यानी कि यहाँ पे क्या आया अपना, डीऑक्सीजनेटेड, फिर क्या है, राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल भी के पास भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर कहाँ गया ये, लंग्स के पास, तो लंग्स से कहाँ गया ये, लेफ्ट ओरिकल में, यानी कि बाया आलिंद, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर कहाँ पे आया, वो आया लेफ्ट ओरिकल के पास, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास, ऑप्शन बी, ठीक है। आया समझ कैसे हुआ, ये चलती है अपने हार्ट के अंदर कौन सा, ब्लड पंप की प्रोसेस इस तरीके से। आप देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में पूछा है अपने को, यानी कि अपना जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये अपने पास। तो इसमें क्या पूछा गया हमें, इन द ह्यूमन,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज में कौन सा यहाँ पे हिस्सा जो है मानव श्वसन तंत्र का वो यहाँ पे काम करता है? कौन सा? ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूलस या फिर कुपिका या फिर एल्वियोली? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? और अपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो बटन है अपना वो दबा दीजिए, वो प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है क्लास का वो आपको टाइम से मिल सके, ठीक है? तो मोहित रंजन एंड विनोद का आंसर आया अपने पास ऑप्शन डी, यानी कि एल्वियोली, ठीक है? तो देखो क्या होता है, क्या किया हमने, नोज नेजल पाथ से क्या लिया हमने, एयर ली, ठीक है? ये कहाँ गई? ट्रैकिया, ठीक है? ट्रैकिया से कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई, ठीक है? फर्स्ट क्या होगा अपना यहाँ पे? नोज, ठीक है? नोस्ट्रियल जो है वहां से फर्स्ट, सेकेंड कहाँ जाएगी? ट्रैकिया, थर्ड कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई, फिर क्या है? ब्रोंकियोल्स, फोर्थ, फिर कहाँ जाएगी लास्ट में? ये एल्वियोली के पास, यानी कि फिफ्थ। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? यहाँ पे एल्वियोली, ठीक है? तो जो मोहित है और जो विनोद है उन दोनों का आंसर क्या है यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, यानी कि ये थी अपनी आज की सुंदर सी प्यारी सी जो क्लास थी वो, ठीक है? तो अब देखिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोनों कि आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए या नहीं, या फिर कहीं डाउट है आपको, ठीक है? तो ये थी अपनी आज की क्लास जो अपनी कब से कब चलती है? 1:30 बजे चलती है, ठीक है? 1:30 PM यानी कि मंडे टू सैटरडे, ठीक है? मंडे टू सैटरडे हमें ये क्लास हमें देखने को मिलती है रेलवे NTPC की जनरल साइंस की प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो डाउट आप कहाँ पूछ सकते हो? वो पूछ सकते हो हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी कि SSC बैंकिंग इजीली पर, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।